गौर से देखिए गाइस, ये सभी रंग बिरंगी तितलियां जो कि हॉस्पिटल लाइन में रोज डेली काम में आती है, इन सब के बारे में आज की वीडियो है। तो कैनुला के टाइप्स और उनको कब कब यूज किया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है कि इस कलर का कैनुला यहाँ काम आता है, ये सब जानना है तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मेडिकल अड्डा पे, जहाँ पे हम अनबॉक्स करते हैं मैजेस्टिक मेडिकल वर्ल्ड को। गाइस, आपको पता है जब भी कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उनको हमारी जो वेंस होती है, वेंस के थ्रू नसों के अंदर में जो फ्लूड दिया जाता है, वो फ्लूड डायरेक्टली या तो इंजेक्शन के नीडल के द्वारा दिया जाता है, या फिर अगर उसको फ्लूड ज़्यादा देना होता है तो फिर ऐसा एक बटरफ्लाई के जैसा उसके वेन में इंसर्ट कर दिया जाता है और वहां पे उसको फिक्स कर दिया जाता है। गाइस, कैनुला लगाने का जो स्ट्राइल टेक्निक वाला वीडियो है उसके ऊपर में आपने 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज दिए हैं और आपने उसके कमेंट बॉक्स में बहुत बार पूछा था कि आईवी कैनुलास कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में कलर कोडिंग के हिसाब से एक वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर में आपकी फरमाइश पे किया गया। गाइस, दावा है वीडियो पूरा देखने के बाद में आप कंप्लीटली आईवी कैनुला के टाइप्स के बारे में जान पाएंगे और साथ में आपको बताऊंगा एक ऐसे टेक्निक जिससे आप कभी भी कैनुला की कलर कोडिंग्स को नहीं भूल पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले होता है कैनुला की आइडेंटिफिकेशन के बारे में। बहुत सी बार जब इमरजेंसी में रश की कंडीशन होती है, पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो वहां पे हमें कैनुला चूज करना होता है कि कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए। तो इसी के लिए मेडिकल वर्ल्ड में देखिए आप ऐसे कलर कोडिंग के हिसाब से कैनुलास बनाए गए हैं और ये कोडिंग कोई ऐसे वैसे नहीं है कि कोई भी कलर की कोडिंग कैसे भी कोई भी कंपनी दे दे, ना दोस्तों, यूनिवर्सली सब जगह सारे हॉस्पिटल्स में सेम कलर कोडिंग में सेम गोज का कैनुला होता है। तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये इस प्रकार से डिसाइड होता है गाइस कि जो कैनुला का गोल होता है वो गोज के अकॉर्डिंग ही ये कैनुला के कलर कोडिंग्स होते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज आ जाती है कि डायमीटर क्या होता है, गोज क्या होता है। गाइस, गोज के बारे में ध्यान रखना है कि जितना बड़ा गोज होगा उसका डायमीटर उतना ही छोटा होता जाएगा, और जितना छोटा गोज होगा उतना ही बड़े साइज के डायमीटर वाला कैनुला होता जाएगा। तो गाइस, मेडिकल लाइन में हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे जो कि न्यूनेट्स होते हैं वहाँ से लेके और बड़े एडल्ट की जो भारी भरकम मोटी वेन होती है उसके अंदर कैनुला डालने के लिए कैनुलास होते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें, अगर छोटे से बड़े स्टार्ट करें तो 26 गोज का कैनुला जो होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और सारे इवन नंबर्स में जाते हैं, 24, 22, 20, 18, 16 और 14 तक का। तो गाइस, हमारे पास में सारे प्रकार के कैनुलास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एक टिप है आपके लिए, जो भी आईवी कैनुलास होते हैं वो सब इवन नंबर्स में आते हैं मात्र एक कैनुला को छोड़ के। जी हाँ दोस्तों, वो वाला कैनुला होता है ये वाइट कलर का कैनुला। गाइस, वाइट कलर का कैनुला वो सिर्फ और सिर्फ 17 गोज में आता है। अगर आप स्टूडेंट्स है और अगर कभी ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओड नंबर का कैनुला, 17 नंबर का कैनुला कौन सा होता है, तो वो आपको बताना है कि वो वाइट कलर का होता है, बाकी सारे इवन नंबर्स में होते हैं, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26 तक। ओके गाइस, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया गोज के ऊपर में होता है, और उसके बाद में नेक्स्ट होता है फ्लो रेट्स के ऊपर में कि कैनुला की कितनी फ्लो रेट्स से ये फ्लूड एडमिनिस्टर कर सकते हैं, रन थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा कैनुला किस यूज में होता है उसके अकॉर्डिंग भी इसको टाइप्स में डिफाइन किया जाता है। तो वन बाय वन करके सारी कैनुला को एक्सप्लोर करते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा कैनुला कब काम आता है। तो सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए गाइस, ये है 26 नंबर का कैनुला। ओके, और इसका जो डायमीटर है, जो गोज है, वो है 26 का, और इसकी जो लेंथ है वो है 19 mm की। ओके गाइस, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूंगा। और इसका फ्लो रेट है वो होता है दोस्तों 10 ml/min का, यानी कि अगर फुल फ्लैश से भी इसके नूला में फ्लूड रन किया जाए तो मैक्सिमम 10 ml/min ही जा सकता है, ये इतना छोटा होता है। और
गोज के हिसाब से देखें तो ये 26 गोज का है। ओके गाइस, अब बात करें कि ये वाला कैनुला कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। इस कैनुला को यूज किया जाता है न्यूनेट्स में, क्योंकि दोस्तों जो प्री टर्म बेबीज होते हैं, इवन टर्म बेबीज होते हैं, उनकी वेंस बहुत ही पतली होती है, विजिबली भी बहुत बारीक होती है। अगर हम मोटे गेज का कैनुला अगर उनकी वेंस में इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वेंस बस्ट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पतले गेज वाले कैनुला का यूज हम करते हैं, और ये बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट कैनुला की बात करें, इसको मैं रख देता हूँ साइड में। नेक्स्ट कैनुला की बात करें तो इससे बड़ी साइज का जो कैनुला होता है गाइस, वो होता है ये। देखिए इसकी कलर कोडिंग है येलो। येलो कलर कोडिंग में ये कैनुला जो होता है, अब देखिए दोस्तों इस कैनुला में जो इसका रेट है वो होता है 20 ml पर मिनट, यानी कि जो पिछले वाला पर्पल वाला है वो 10 ml पर मिनट था, ये वाला 20 ml पर मिनट की इसकी मैक्सिमम फ्लो रेट होती है। इसकी लेंथ की बात करें तो ये भी 19 mm में आता है, जो 26 वाला है वो भी 19 mm में ही आता है। और जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है, पिछले वाले का मैं बताना भूल गया था, उसका 0.6 mm होता है और इसका 0.7 mm एक्सटर्नल डायमीटर होता है। अब बात करिए कि ये येलो कलर का कैनुला कहाँ यूज किया जाता है, तो ये सारे इन्फेंट्स, टोडलर, जो भी एज वाले बच्चे हैं, 1 साल से छोटे और बड़े जितने भी बच्चे, उन सब के लिए ये कैनुला ही प्रेफर किया जाता है। ओके गाइज, और इस कैनुला को यूज करने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है जो भी फ्लूड एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है या फिर मेडिकेशंस दी जाती है, वो इस कैनुला के थ्रू ही दिया जाता है। तो गाइस आप याद रखिए, 24 गोज का कैनुला येलो कलर का कैनुला होता है। नेक्स्ट इससे बड़ा जो कैनुला आता है वो होता है गाइस ये ब्लू कलर का कैनुला। ये 22 गोज का कैनुला है और इसकी जो फ्लो रेट है गाइस, वो यहाँ पे थोड़ी बढ़ जाती है, वो होती है 36 ml पर मिनट। मैक्सिमम कैपेसिटी ये होती है। इसके अलावा इसका जो आउटर डायमीटर होता है वो होता है 0.9 गेज। ओके, 0.6, 0.7, 0.9 गाइस। इन दोनों की, पर्पल और येलो की जो लेंथ होती है वो होती है 19 mm और इसकी लेंथ होती है 25 mm। और ये वाला कैनुला कहाँ यूज किया जाता है, अगर हम देखें तो ये IV इन्फ्यूजन्स के अंदर में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। एक फीमेल पेशेंट्स होती है जिनकी वेंस मेल से थोड़ी सी पतली मानी जाती है, तो वहाँ फीमेल पेशेंट्स के लिए चॉइस ऑफ कैनुला है ये 22। और अगर यूनिवर्सल कैनुला की बात करें, अगर आपको पूछा जाता है यूनिवर्सली मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला कैनुला कौन सा है, तो वो होता है गाइस 20 गोज वाला कैनुला। और यहाँ इसके अलावा जो भी मोडरेट फ्लो रेट्स के जितनी भी मेडिसिंस दी जाती है, इन्फ्यूजन्स दिए जाते हैं, वो सब इसी 22 गोज के द्वारा प्रिफरेबली दिया जाता है। गाइस नेक्स्ट कैनुला होता है वो है 20 गोज का पिंक कलर का कैनुला। ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला कैनुला होता है और इसकी जो आउटर डायमीटर होता है वो होता है 1.1 mm का, और इसकी लेंथ है वो होती है गाइस 32 mm की। ओके, यहाँ तक याद रखने वाली बात इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कॉमनली यूज होने वाला कैनुला कौन सा होता है, तो वो ये 20 गोज वाला कैनुला होता है। अब बात करें इसकी यूजेज की, तो वो इसके फ्लोरेट पे ही डिपेंड करती है। इसका मैक्सिमम फ्लोरेट होता है गाइज 55 और कुछ कैनुलाज में होता है 60 ml पर मिनट का। तो कॉमनली इसमें 60 ml पर मिनट की इसकी फ्लोरेट होती है, कुछ कंपनीज में 55 ml की भी इसकी रेट होती है। अब बात करें इसके यूजेज की, तो ये कैनुला आइडियली सबसे ज़्यादा कॉमनली IV इन्फ्यूजन्स के लिए प्रिफर किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के लिए भी इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं इससे भी बड़े गोज वाले कैनुला की, तो वो वाला होता है गाइस ग्रीन कलर का। ये होता है गाइस 18 गोज का कैनुला, 20 से भी बड़ा, और यहाँ पे इसका आउटर डायमीटर 1.3 mm का हो जाता है और इसकी लेंथ 45 mm की हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे कंपेरिजन करने के दौरान भी इसमें ये बड़ी होती है, साथ में इसकी जो फ्लो रेट है गाइस वो हो जाती है अब 85 ml पर मिनट की। कुछ कंपनीज यहाँ 90 ml पर मिनट की भी देते हैं। इस कैनुला पे अगर आप देख रहे हो पीछे की तरफ, तो लिखा हुआ है
85 ml पर मिनट की। ओके गाइस, इस कैनुला को कॉमनली कहाँ यूज किया जाता है तो वो बात हम करें तो ये सबसे ज़्यादा सीवियर ट्रोमा और जो मेजर सर्जरीज होती है उनके पेशेंट्स के लिए फ्लूड रश करने के लिए ये कैनुला हमें इंसर्ट करना होता है। इसके अलावा रैपिड फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी हम अगर देते हैं किसी पेशेंट को तब भी इस कैनुला का यूज किया जाता है, और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तब भी ये वाला ग्रीन कलर का कैनुला यूज करते हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट कैनुला की, तो वो है गाइस हमारे पास में 17 गोज वाला कैनुला। ये वाला गाइस व्हाइट कलर का कैनुला आता है, नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलता है और बहुत से हमारे जो भी नर्सिंग वाले साथी है या डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी ये वाला कैनुला नहीं देखा होगा। तो गाइस ये वाला कैनुला यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो 1.7 mm का होता है, लेंथ इसकी 45 mm की होती है और फ्लो रेट इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। इसका फ्लो रेट 142 ml पर मिनट का हो गया है और इसका यूज सीवियर ट्रोमा और जो इंजरी वाले पेशेंट्स होते हैं या फिर मेजर सर्जरीज की जाती है जिन पेशेंट्स की, उनके अंदर ये कैनुला दिया जाता है और रैपिडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर फ्लूड रिप्लेसमेंट दिया जाता है उन सभी में ये 17 गोज का कैनुला दिया जाता है। गाइस यहाँ तक हो गए हमारे 6 कैनुलास, अब बात करते हैं नेक्स्ट कैनुला के टाइप के बारे में, तो वो होता है ये ग्रे कलर का कैनुला। आप देख पा रहे हो दोस्तों ये वाला 16 गोज का कैनुला होता है और इसका एक्सटर्नल डायमीटर वो होता है 1.8 mm का, यानी कि और भी मोटा, बड़ी वेन के लिए ये सूटेबल होता है और इसकी जो लेंथ है वो भी अब बढ़ जाती है, वो 45 mm की हो गई है और इसका फ्लो रेट आप देख के चौंक जाओगे गाइज, इसका 200 ml पर मिनट का फ्लो रेट होता है, यानी कि 500 ml की एक नॉर्मल सलाइन की बोतल है उसको अगर फुल फ्लैश से रन करेंगे तो ये मात्र 2.5 मिनट के अंदर में उसको पूरे को एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। तो इसीलिए इस कैनुला का यूज कभी भी जो भी मेजर सर्जरीज और ट्रोमा वाले केसेस होते हैं उनमें लिया जाता है, हालांकि ये बहुत कम यूज किया जाता है लेकिन फिर भी इसका ये बहुत ही एडवांस्ड होता है। अब बात करें इसके यूजेस की, तो जैसा कि मैंने बताया ट्रोमा और मेजर सर्जरीज के केसेस में उन पेशेंट्स को ये कैनुला लगाया जाता है, इसके अलावा फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी में इस कैनुला को यूज किया जाता है और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हम किसी पेशेंट का करते हैं तब भी इस कैनुला को लगाया जाता है। ओके तो अब बात कर लेते हैं लास्ट कैनुला की, वो जो लास्ट कैनुला होता है गाइस वो होता है ये ऑरेंज कलर का कैनुला, 14 गेज का कैनुला। गाइस मेरा दावा है अगर आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हो तो बहुत से 80-90% जो भी हमारे मेडिकल स्टाफ हैं उन्होंने ये कैनुला नहीं देखा होगा। गाइस ये ऑरेंज कलर का कैनुला 14 गेज का कैनुला आता है और सबसे बड़ा डायमीटर में होता है। ओके गाइस, तो इसका डायमीटर की बात करें तो ये 2.1 mm का होता है और इसका जो लेंथ होती है वो 45 mm की होती है और इसकी मैक्सिमम फ्लो रेट होती है गाइस 240 ml पर मिनट, यानी कि 2 मिनट में 500 ml नॉर्मल सलाइन को ये पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकता है इस कैनुला के द्वारा। और यहाँ पे को इसके यूजेज की बात करें ही तो यूजेज में वही सारी चीज़ें आ जाती है ट्रोमा और मेजर सर्जरी में अगर किसी की पेशेंट की जाती है। ओके गाइस, तो ये सारी बातें हो गई है आईवी कैनुला के टाइप्स के बारे में। अब इसका एक याद करने का तरीका है कि कैसे छोटे से बड़े कैनुला की तरफ हम अगर जाए या बड़े से छोटे की तरफ जाए तो कैसे याद रखें। बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कौन से कलर का कैनुला कितने गोज का होता है। गाइस याद करने का तरीका ये है कि एक हाउसवाइफ है जो उनका हस्बैंड ऑफिस से आया है और उसके बाद में उनको अगर गर्म पानी वो प्रोवाइड करवाती है तो कैसे वो बोलती है उसी के अकॉर्डिंग हमें आईवी कैनुला के जो भी टाइप्स है वो याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड को मोस्ट ऑफ भरतार बोलते हैं, तो यहाँ से याद कीजिए कि उन्होंने गर्म पानी उनको ऑफर किया है तो ये वाली लाइन आप याद कर लीजिए, ओ जी वाटर गर्म पियोगे भरतार, ये लो पियो। ओके तो यहाँ पे याद कर लीजिए ओ फोर ऑरेंज हो जाएगा, जी फोर ये ग्रे हो जाएगा और वाटर यहाँ पे स्पेशल बात यह है कि बाकी सारे वर्ड्स हिंदी के हैं, यानी कि वो सारे इवन कैनुलास है। एक वाटर वर्ड है वो इंग्लिश में दिया है, यानी कि वो एक ओड नंबर का कैनुला, यानी कि वाटर W से स्टार्ट हुआ है और वो वाला हो गया हमारा
17 नंबर का कैनुला और डब्ल्यू फोर वाटर, डब्ल्यू फोर वाइट। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये वाली टेक्निक यूज करनी है। नेक्स्ट हमने बोला है गर्म पानी पियोगे, गर्म मीन्स जी, जी फॉर ग्रीन, और पियोगे मीन्स पी फॉर पिंक, यानी कि 20 गेज का कैनुला। और फिर बाद में भरतार, बी एच ए करके जो हम बोलेंगे भरतार, यानी कि ब्लू कैनुला, और येलो पियो, येलो मीन्स तो हम दोनों कॉम्बिनेशन कर लेंगे, येलो मीन्स येलो कलर का कैनुला और पियो मीन्स यहाँ पे पर्पल का कैनुला, यानी कि 26 का। तो ये वाली टेबल याद कर लीजिए, और आज के बाद में ये एक लाइन बोल के आप पूरे कलर के जो भी कैनुलाज है वो कम्प्लीटली याद कर लोगे और कभी भी नहीं भूलोगे। ओके गाइस, तो ये वाली टेक्निक अच्छी लगी है तो इसके लिए वीडियो पे एक लाइक बनता है, लाइक जरूर कर दीजिए। तो गाइस, आईवी कैनुला से रिलेटेड सारे कैनुलाज आपने देख लिए होंगे, इस प्रकार से जितने भी कलर कोडिंग वाले कैनुलाज है वो आपने देख लिए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कैनुला के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट को क्या कहा जाता है और क्यों ये स्पेसिफिक पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपके जो भी साथी मेंबर्स हैं उनके साथ में ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। अगर गाइज आप जानना चाहते हो कैनुला को कैसे लगाया जाता है विद प्रॉपर टेक्निक, तो आप ये लेफ्ट वाला वीडियो देख लीजिए जिसके ऊपर में 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सेफ्टी कैनुला और जो भी ट्रेडिशनल कैनुला है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आप ये लेफ्ट वाला वीडियो देख लीजिए।